I will now call upon the most energetic and enthusiastic Honorary Secretary of AMT, Mr. Amit Bharod, for the introductory address. Namaskar, good morning. I was Mehman, other near Narayan Dhaniji, other near Kushwa Saab, other near Lalit Gandiji, other near Kalantri Saab. हमारे प्रेसिडेंट हुजेबा साहब मिस्टर करुणाकर शेट्टी राइस ट्रेंड मकाई सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अभी राणे साहब बोलने वाले हैं तो हमारा कोई बोलने का इतना ये नहीं है बट मैं कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट सर हमारी इंडस्ट्री बहुत सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है बट हमारा आज तक कोई मिनिस्टर नहीं बना हुआ है हमारी कोई मिनिस्ट्री नहीं है सभी की मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल की है ऑटोमोबाइल की है हमारा कोई माए बाप नहीं है अगर हमको जाना है तो डी जाना है इंडस्ट्री में जाना है एमएससी में जाना है वो बोलेगा वहां जाओ वो बोलेगा वहां जाओ तो हमें एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक हमारी इंडस्ट्री का एक क्रिगेशन सेंटर को हमें दीजिए जिससे हमारे को माए बाप बने दूसरा चीज हमें एक फर्नीचर हब चाहिए हमने काफ़ी रिक्वेस्ट करी हुई स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने सपोर्ट भी किया हुआ है आगे बात भी बढ़ रही है बट जब स्टेट गवर्नमेंट लैंड अलॉट करेगी तो सेंटर का सपोर्ट चाहिए हमें सेंटर के सपोर्ट में सब्सिडी चाहिए कोई स्पेशल लाइट का बेनिफिट चाहिए बिजली पानी रोड चाहिए अगर ये सब चीज हमको गवर्नमेंट से मिल जाएगी तो हम आपको कमिट कर दे पूरी फर्नीचर इंडस्ट्री के बिया में कि सर महाराष्ट्र फर्नीचर एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान में नंबर वन आ जाएगा वो भारत का नाम महाराष्ट्र से रोशन होगा ये हमारा कमिटमेंट है सर आपको हमारे सारे मैन्युफैक्चरर अगर वसई विरार वाड़ा सब अगर करे तो हजार से ज्यादा छोटी बड़ी फैक्ट्रिया है अगर वो एक छत के नीचे आ जाएगी सर तो फर्नीचर एक्सपोर्ट बूमिंग होगा हमें गवर्नमेंट से सी का भी प्रपोजल मिला हुआ है उसमें कुशवा साहब लोंदे सर जो उनकी टीम है वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं सी के लिए बट सीएफसी सी एक तीस पैंतीस लोगों की तरह सीमित हो जाएगी अगर फर्नीचर हब बन गया और सब लोग एक ही जगह पे आ गए सर तो काफी अच्छा सपोर्ट होगा और उसका श्रेय आपको जाएगा सर ऐसा हम दिल से बोल रहे हैं सर तो हमें उसमें काफी आपका सपोर्ट और सहयोग लगेगा सर थैंक यू और तो कुछ बोलने जैसा मेरी ओर से नहीं है बस यही एक शॉर्ट एंड फिट बात थी जो मैंने आपके सामने रखी और इसीलिए मैं बहुत मशक्कत करके आपको यहां तक लेके आया सर मैं थैंक यू